आरसीबी के लिए भाई अब क्या बोले हैं, क्या आरसीबी के, मैं हर बार ये पूछता हूँ, क्या आरसीबी के फैंस सपना देख सकते हैं साल आशीष, क्या उनको अलाउड है? क्या तो क्या वनवास खत्म होगा 14 साल बाद, ट्रॉफी क्या वापस आएगी? अभी तो 14 साल का वनवास, अभी तो अभी तो 6 ही साल हुए हैं, अभी तो आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे हैं। और ये और अभी आज जैसे 1 रन से जीते हैं, ये किसी भी तरफ जा सकता था, तो अभी तो काफी लंबा सफर तय करना है। पर कुछ चीजें मैं कहूंगा कि कुछ चीजें अच्छी, जैसे बदलाव की अगर आप बात करें, 1-2 अच्छे बदलाव किए आज, अगर विराट कोहली जैसे शिमरन हटमायर, मैं तो जैसे हमने पॉइंट किया ना कि चहल से थोड़ा सा भरोसा खो रहे हैं आज, जैसे ग्राउंड और पिच जो थी, जो माहौल था, उनको 1-2 ओवर और, एक ओवर तो पक्का अगर 4 का कोटा नहीं तो जरूर देखना चाहिए था। 2 ओवर में 10 रन उनको गए थे, पर वॉशिंगटन सुंदर को 4 कराए अच्छी चीज। आज जिस तरीके से शिमरन हटमायर के लिए डीप कवर्स लगाया वो एक अच्छी चीज। तो जो प्लस चीजें हैं विराट कोहली की भी, अगर आप कैप्टनसी की भी बात करें, जो प्लस चीजें हैं वो उसकी चर्चा हम यहाँ पे करते ही हैं। तो अभी तो रास्ता तो काफी लंबा तय करना है हर टीम को, अभी तो आधे रास्ते भी नहीं हुआ, पर हाँ अभी शुरुआत इससे अच्छी नहीं हो सकती थी। आरसीबी कह लीजिए आप, सीएसके कह लीजिए, कि आपने 6 में से 5 मुकाबले जीत लिए हैं, तो इससे बढ़िया 6 में से 5 मुकाबले जीते, मतलब हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते। एक चीज अच्छी है बैंगलोर की, कि बगैर विराट कोहली के जीत रहे, चीज अच्छी है ना। तो जब वो फायर करेंगे तो फिर आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, एटलीस्ट प्लेऑफ तो खेलें। फिर एक दिक्कत हो जाएगी, अगर विराट कोहली जब फायर करेंगे तो एबी डिविलियर्स को गेंदे और कम मिलेंगे। कोई बात नहीं, लेकिन उनके फायर करने से उनकी टीम के जीतने के चांसेस भी तो ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि विराट कोहली जब जब चलते हैं तो कितनी बार देखा है कि उनकी टीम हारती है। तो वो एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है अभी भी बैंगलोर के लिए, कि बगैर उन, वरना तो पिछले कुछ सालों में क्या हो रहा था, विराट कोहली आउट तो उनकी टीम हार जाती थी। तो अब वो अच्छा हो रहा है कि विराट कोहली नहीं भी रन बना रहे ना तो भी टीम जीत रही है, तो अब जब वो बनाना शुरू करेंगे तो बल्ले बल्ले। सर तुम तो कब से कह रहे हैं कि देखिए इस टीम को सिर्फ 2 लोग धक्का लगाते थे, जब 2 धक्का लगाएंगे तो गाड़ी को धक्का लगता है, जब 5 लगाएंगे तो ट्रक को लगता है, जब 10-11 बंदे लगाएंगे तो फिर आप इस ट्रेन को मूव कर सकते हैं। तो ये गुड्स ट्रेन नहीं, ये वेरी गुड्स ट्रेन हो गई है इस सीजन इनके लिए। और आशु आप कह रहे थे ना कि अगर विराट कोहली आग लगा दे तो एवी डिविलियर्स को कम गेंदे मिलेंगी, दूसरी तरफ भी बंदे आउट हो सकते हैं, दूसरी तरफ बंदे आउट हो गए फिर भी एवी आ सकता है, और एवी और विराट एक साथ खेलते तो फिर बैंगलोर के फैंस जो है ना वो खुशी से गार्डन गार्डन हो जाते हैं, बाग बाग हो जाते हैं खुशी से। इस ग्राउंड में तो एवी और विराट जब साथ खेलेंगे ना, और अगर पिच कभी और मुश्किल हुई, गेंद फंस रहा है, तो अभी दोनों को बड़ा सूट करेगा, क्योंकि यहाँ सिंगल डबल बगैर छक्के चौके मारे भी ना ये 8 रन बना सकते हैं इस ग्राउंड में।